ओके हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। इस वाली वीडियो में बात करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक यानी कि यूनिट नंबर 4 के टॉपिक लीड टाइम की बात करेंगे। तो इसमें समझते हैं कि लीड टाइम क्या होता है ना, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसके साथ हम दूसरा टॉपिक भी कवर करेंगे जो कि है आपका रीऑर्डर लेवल। क्या नाम है इसका? रीऑर्डर लेवल। तो सबसे पहले समझते हैं कि लीड टाइम क्या होता है। देखिए, द टाइम दैट टेक्स प्लेस बिटवीन द स्टार्ट एंड द एंड ऑफ अ प्रोडक्शन प्रोसेस, दैट इज अ लीड टाइम। यानी प्रोडक्शन प्रोसेस के स्टार्टिंग का टाइम, यानी जब प्रोडक्शन प्रोसेस शुरू हुई है और जब प्रोडक्शन प्रोसेस खत्म हो रही है, उसके बीच के टाइम को लीड टाइम कहते हैं। सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है। नेक्स्ट थिंग इज दैट कि लीड टाइम एक्चुअल में क्या है। आप इसको एग्जामिनेशन में जब आपको आंसर लिखना होगा डिटेल में, तो आप इसको एक फ्लो चार्ट या एक इस तरीके से डायग्राम के फॉर्म में एक्सप्लेन कर सकते हो कि क्रिएटिंग अ प्रोडक्ट एंड डिलीवरिंग अ प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट को क्रिएट करा और उसी प्रोडक्ट को डिलीवर करा, तो उसके बीच के टाइम को क्या बोलते हैं? लीड टाइम बोलते हैं। दैट्स इट। उसके बाद हम समझेंगे कि लीड टाइम का फॉर्मूला क्या होता है। अगर हमसे कोई पूछता है कि लीड टाइम एक्सप्लेन करो, तो हमें पता होना चाहिए कि लीड टाइम क्या होता है। टाइम दैट टेक्स प्लेस बिटवीन द स्टार्ट एंड द एंड ऑफ अ प्रोडक्शन प्रोसेस। फिर हमें पता होना चाहिए कि जो प्री प्रोसेसिंग टाइम है, प्री प्रोसेसिंग टाइम का मतलब क्या है? जो प्रोक्योरमेंट टाइम है, जब हम रॉ मटेरियल्स अपनी प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए मार्केट जाके लेके आ रहे हैं, तो वो हो गया प्री प्रोसेसिंग टाइम। उसके बाद प्लस प्रोसेसिंग टाइम। अब उस रॉ मटेरियल से हम अपने जो यूनिट है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वहां पे क्या कर रहे हैं? वहां पे हम उसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उस रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बीच का काम है प्रोसेसिंग टाइम। एंड आफ्टर दैट पोस्ट प्रोसेसिंग टाइम का मतलब क्या है? शिपिंग टाइम। प्रोडक्ट बन गया है, अब प्रोडक्ट को क्या करना पड़ेगा? डिलीवर करना पड़ेगा। दैट इज शिपिंग टाइम। यानी कि यहाँ पे हम प्रोडक्ट को डिलीवर करके आ रहे हैं। ओके, इसके बाद हम बात करेंगे रीऑर्डर लेवल क्या होता है उसकी। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज रीऑर्डर लेवल। मैं बड़ा प्यारा एग्जांपल लेके आई हूँ आपको। आपका जब आप बच्चे थे, यानी कि जब आप छोटे से बच्चे थे, चिल्ड्रन है ना, जब बच्चे हुआ, छोटे छोटे बच्चे होते थे, तो उनका एक माइंडसेट अपना होता है ना, उनको टॉफीज, कैंडीज, टॉयज से इतना ज़्यादा लगाव होता है, हर बच्चे को होता है। तो उसके एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको पूरा टॉपिक ही कवर कराने वाली हूँ। अदरवाइज क्या होता है, बच्चे बुक से पढ़ते हैं, चीज़ें पढ़ते हैं, तो उनको लगता है यार ये टॉपिक तो बड़ा अजीब सा टॉपिक है, रीऑर्डर लेवल। नाम से क्या लग रहा है? रीऑर्डर कहते हैं ना, दोबारा से। री मीन्स क्या होता है? अगेन। री मीन्स अगेन। ऑर्डर मीन्स क्या? किसी चीज़ को ऑर्डर करना। आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट या मिंत्रा, अलग अलग जो जितने भी आपके ऐप्स हैं, इसमें आप ऑर्डर ही तो करते हो चीज़ें। री ऑर्डर, ठीक है। री मीन्स अगेन, व्हाट आई एम राइटिंग अगेन। री मीन्स अगेन, आगे दोबारा से ऑर्डर करना। सो री ऑर्डर लेवल इज जस्ट लाइक अ रिमाइंडर। मैं यहाँ पे एक अलार्म क्लॉक बनाया बड़ा प्यारा सा। इट जस्ट लाइक अ रिमाइंडर। अब किस चीज़ को रिमाइंड करवा रहा है ये? यहाँ पे शॉप ओनर या स्टोर ओनर, दैट दे नीड टू ऑर्डर मोर आइटम्स बिफोर दे रन आउट। मान लीजिए जब आप छोटे थे तो आपके पास आपके फेवरेट टॉयज हुआ करते थे। अगर आपको लगता था कि यार वो कम होने वाले हैं या ख़राब होने वाले, तो हम अपने पेरेंट्स के पास जाते थे एंड उनको बोला करते थे कि पापा मम्मा हमारा ये टॉय ना ख़राब हो, हमें नया चाहिए, नया चाहिए। ऐसा होता था? नहीं होता था। सबके संग होता था ये, है ना। अगर गर्ल्स हैं तो उनको बार्बी चाहिए होती थी, बॉयज़ हैं तो उनको ट्रेन एंड वो कुछ ना कुछ टॉयज़ ऐसे ना जिसको वो तोड़ सके ना, वैसे वाले टॉयज। सो उस तरीके के टॉयज आप पेरेंट्स से डिमांड किया करते थे, ठीक है, अगर एज अ बॉय एज अ गर्ल। तो यहाँ रीऑर्डर लेवल में इस एग्जांपल से आपको ये बताना चाह रही हूँ कि आपको जब पता है कि वो चीज़ खराब होने वाली है या वो चीज़ खत्म होने वाली है, तो आपने एक रिमाइंडर लगाया, आपने सोचा कि चलो हम दोबारा से इस चीज़ को ऑर्डर करते हैं, कहीं हमारे पे स्टॉक खत्म ना हो जाए। सो शॉप ओनर या स्टोर ओनर, दैट दे नीड टू ऑर्डर मोर आइटम्स बिफोर दे रन आउट। की रन आउट मीन्स यहाँ पे क्या है कि वो खत्म हो जाए उससे पहले, खत्म हो जाए उससे पहले हम और आइटम्स मंगा लेते हैं। अब रीऑर्डर लेवल का दूसरा बेनिफिट ये है, इट हेल्प्स मेंटेनिंग द स्टॉक। स्टॉक मेंटेन रहता है। जब आपको पता है, रीऑर्डर लेवल से ये कहता है कि अपना स्टॉक मेंटेन करके चलो। मान लीजिए आपकी शॉप है और शॉप पे कस्टमर आता है, वो कहता है कि आप हमें ये आइटम निकाल के दे दीजिए। और मान लीजिए आपने मंगाया ही नहीं आइटम, वापस स्टॉक ही नहीं है, ऑफकोर्स कस्टमर को लगेगा कि देखो हम इस वाली शॉप पे आए और इस शॉप पे ये आइटम अवेलेबल नहीं था। ऑफकोर्स नेक्स्ट टाइम आपकी शॉप से नहीं खरीदेगा। कस्टमर का माइंडसेट के अकॉर्डिंग, एज अ रैशनल कस्टमर आप सोचो, तो आपके अगर आप ऐसे कस्टमर किसी शॉप पे जाते हो और आपको वहां पे आपका फेवरेट प्रोडक्ट नहीं मिलता, क्या आप दोबारा वहां से शॉप पे विजिट करोगे? आपको ये लगेगा ना, नहीं यार पिछली बार गए थे वहां पे मिला ही नहीं था,
है ना, आप उस शॉप पे जाना पसंद करोगे जहां भी आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा, और जिस शॉप पे आप गए थे वहां पे आप दोबारा से रिविजिट नहीं करोगे। तो स्टॉक मेंटेन करना भी उतना ही जरूरी है। तो रीऑर्डर लेवल इज सेट एट अ स्पेसिफिक क्वांटिटी व्हिच हेल्प्स द स्टोर ओनर दैट इट्स अ टाइम टू प्लेस अ न्यू ऑर्डर विद द सप्लायर। मान लीजिए 100 हमने पहले ऑर्डर करे थे और आप सिर्फ 80 खर्च हो गए, 20 रह गए, तो हमें पता है कि जब 20 रह जाएंगे हमें दोबारा से रीऑर्डर करना है, दोबारा से स्टॉक मंगा के रखना है, ताकि अगर हमारे पे कस्टमर आता है तो वो इजिली हम उसे प्रोडक्ट प्रोवाइड कर सके, उसे निराश होकर ना भेजे। एंड द लास्ट पॉइंट इज अवॉइड शॉर्टेजेस। ठीक है, हमें पता है शॉर्टेजेस को अवॉइड करना है ना, ये भी चीज काफी इससे कोरिलेट कर रही है। देखो हमारे में जो प्रॉपर चीज़ें होंगी, जब चीज़ें मंगा के रखेंगे है ना, अपना रीऑर्डर लेवल मेंटेन करके रखेंगे, हमें पता है कि हमारे पास कितना स्टॉक होना चाहिए, तो शॉर्टेज नहीं रहेगी। अगर कोई भी कस्टमर हमारे पास आता है तो उसको जितना भी, यानी कि डिमांड और सप्लाई बराबर रहेगी, जितनी उसकी डिमांड है उतना हम सप्लाई भी कर पा रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, ये कंडीशन नहीं लाएंगे। ठीक है, अवॉइड शॉर्टेजेस। तो हमने रीऑर्डर लेवल को 3 पॉइंट्स में यहाँ पे समराइज कर लिया कि जस्ट लाइक अ रिमाइंडर है ना, रिमाइंडर है शॉपकीपर के माइंड में कि हमें अब और स्टॉक मेंटेन करना है क्योंकि हमारा खत्म होने वाला है स्टॉक। हेल्प्स मेंटेन स्टॉक। एंड थर्ड इज अवॉइड शॉर्टेजेस। इसके एक और एग्जांपल लेके समझ सकते हैं आप, घर का राशन जैसे होता है, जब घर का राशन खत्म होने वाला होता है तो घर में मामा क्या करते हैं, पापा को बोलते हैं ना कि सुनिए जी काम करिए, राशन घर का खत्म होने वाला है, आप उसको लेके आ जाइए। वो एक पर्चा बना के देते हैं, नॉर्मल इंडियन हाउस होल्ड में एक पर्चा बना के देते हैं, तो वो जाते हैं ठीक है शॉप पे, मर्चेंट की शॉप पे जाते हैं एंड वहां से सामान पापा लेके आ जाते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से बिल्कुल ये रीऑर्डर लेवल कॉन्सेप्ट वैसा ही है। जब चीज़ें खत्म होने वाली होती है तो हम ऐसे थोड़ी ना कि जब सारा स्टॉक घर में खत्म हो जाएगा राशन का, तब हम पापा को बोलेंगे या मम्मा पापा को बोलेंगे सामान लेके आओ, ऐसा नहीं होता है। उससे पहले ही मम्मा बोल देते कि सुनिए जी ये खत्म होने वाला है, लाइक मेरे घर में तो ऐसा ही होता है, सुनिए जी ये खत्म होने वाला है, आप इस सामान को लेके आ जाओ। ठीक है, तो ये हो गया पूरा कॉन्सेप्ट रीऑर्डर लेवल का। आई होप आपको ये पूरा समझ आया होगा कॉन्सेप्ट। मैं बहुत ही सिंपल जो एग्जांपल्स हैं हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड या हमारे चाइल्डहुड से रिलेटेड या हमारी प्रेजेंट एरा से रिलेटेड जो एग्जांपल्स हैं, मैं उन्हीं को लेके समझाती हूँ ताकि हम उन चीज़ों को कोरिलेट कर सकें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम मैं एग्जांपल्स आउट ऑफ द बॉक्स ले लूँगी, आप कहोगे मैम ये कैसे एग्जांपल ले लिया आपने, है ना, मैं ऐसे एग्जांपल लेती ही नहीं हूँ, मैं एग्जांपल बहुत कोरिलेट करके लेती हूँ। एंड आई होप अगर आपको समझ आता है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के संग, सब्सक्राइब करो कॉलेज ट्यूटर चैनल को। बाय बाय।